हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 50 यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूशंस की, जो कि सेंट्रल स्टेट IIITs, IITs, NITs सभी इंक्लूडेड हैं इसमें। तो इनकी बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या है, किनके किनके फॉर्म एक्टिव हैं, और भी फॉर्म्स हैं जो कि एक्टिव हैं बट उसे कवर करने के चक्कर में बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं जिनकी डेडलाइंस आ जाती हैं और वो क्लोज हो जाते हैं, राइट? सो आई थॉट पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो भी अपडेट्स होंगी आपको ग्रेजुअली वो चैनल पर मिल जाएंगी, राइट? जो भी लिंक्स हैं हर वेबसाइट के वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। एंड यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जिनके ज़्यादातर वीडियोस आपको चैनल पे मिल गए होंगे। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु 15th of September, देन यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद डेट एक्सटेंड हुई है 20 September तक, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी 16 September, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, ओके आई एम सॉरी, इट इज़ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू 23rd September, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी 23rd, एंड NEHU 30 September लास्ट डेट, ओके? ये लास्ट डेट्स हैं, ये फॉर्म्स एक्टिव हैं। देन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात करें, सो NII 23rd of September लास्ट डेट है, बोस इंस्टीट्यूट अगेन 29th of September लास्ट डेट है, देन ACSIR हमने डिटेल्ड वीडियो कवर किया है, इसमें 82 इंस्टीट्यूशंस हैं, CSIR लैब्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडेड हैं, तो आप देख लीजिएगा, 30 September लास्ट डेट है, देन IIDS लास्ट डेट है 1st of October। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो गोवा यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स एक्टिव हैं, लास्ट डेट है 17 September, देन गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी 17, छत्रपति साहू जी महाराज CSJMU कानपुर 19 September, मगध यूनिवर्सिटी 20, देन सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस 20 September, कृष्णकांत हडिगी स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी 23rd, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत यूनिवर्सिटी 26 September, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी 27, देन HPU शिमला 27, अन्ना यूनिवर्सिटी 28, आर रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी 30 September, राइट? देन डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT 15, तो अगर ये वीडियो 15 को नहीं जा रहा है तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि क्या पता एक्सटेंड हो गई हो, अदरवाइज़ ये डेडलाइन ओवर हो जाएगी, ठीक है? देन नेहरू ग्राम भारती प्रयागराज में है, 30 September लास्ट डेट है, इन्हें रेटिंग भी मिली हुई है B+, तो आप देख सकते हैं। देन जामिया हमदर्द 10 October, IISc बैंगलोर के फॉर्म्स एक्टिव होने वाले हैं 1 October से, लास्ट डेट रहेगी 24th, OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी 4 November, नेहरू ग्राम, ओके आई एम रियली सॉरी, ये फिर से लिख दिया मैंने, ओके ये हैं डीम यूनिवर्सिटीज़। देन नेक्स्ट IITs एंड IIITs, तो देखिए हमने IIT IIITs के वीडियो सेपरेट देखे हैं, ये अपडेटेड है तो देख लीजिए, बाकी डिटेल्स के लिए आप उन वेबसाइट्स उस वीडियो को देख सकते हैं एंड इनके वेबसाइट्स पे भी विजिट कर सकते हैं। सो IIT इंदौर अलग अलग डेट्स होती हैं, देख लीजिएगा, IIT गोवा 17 September, विश्वेश्वर स्कीम, IIT हैदराबाद 17th एंड 19th, तो दो फॉर्म्स एक्टिव हैं, रेगुलर के 19 हैं एंड 17 भी है, आई थिंक स्कीम के ही अंडर है, IIT जम्मू 22nd, IIT मंडी 22nd, IIT रोपड़ 23rd, IIT पलक्कड़ स्पेशल ड्राइव 27 September, देन IIT दिल्ली क्वींसलैंड के फॉर्म्स आ चुके हैं, EOI आप 3rd October तक सबमिट कर सकते हैं, IIT गांधीनगर के फॉर्म्स एक्टिव हो चुके हैं, 17 October लास्ट डेट है, देन IIT जोधपुर की जो कट ऑफ डेट है रोलिंग एडवर्टीजमेंट की वो है 20 October, IIT बॉम्बे 21st October, बाकी चारों IITs के बाकी तीन IITs के रोलिंग एडवर्टीजमेंट है, एंड IIIT धारवाड़ का भी रोलिंग एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। NITs में NIT जयपुर का फॉर्म ही अभी एक्टिव है विश्वेश्वर स्कीम के अंडर, लास्ट डेट है 19 September, IIMs में दो IIMs के फॉर्म एक्टिव हैं, IIM अहमदाबाद 19 से स्टार्ट होंगे, 20 January लास्ट डेट होगी, एंड IIM बैंगलोर 24th of January लास्ट डेट है, फॉर्म्स एक्टिव हैं। प्राइवेट में NLUs के फॉर्म एक्टिव हैं, जिसमें दिल्ली पटना के 15th लास्ट डेट है, राजीव गांधी NLU 21st है, देन महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट 15 September, आई होप आज वीडियो अपलोड हो जाए, अदरवाइज़ ये ओवर हो जाएगा तो आपको देखना पड़ेगा, देन IFTM मुरादाबाद 19th of September। सो यस, ये थी अपडेट 50 यूनिवर्सिटीज़ की ऑलमोस्ट, एंड बाकी लैब्स भी हैं तो देख लीजिएगा, जैसा मैंने कहा लिंक मिल जाएगा आपको कुछ दिनों में, फिलहाल इसे शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।